अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज मैं आप लोगों को बहरिया टाउन कराची के लेटेस्ट प्रोजेक्ट के हवाले से बताता चलूँ। बहरिया टाउन कराची ने अभी रीसेंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि कमर्शियल बेस है कराची का, जो एक राफी क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है बहरिया टाउन कराची में। उसकी सराउंडिंग में कमर्शियल के प्लॉट्स लॉन्च किए हैं जो कि 2100 स्क्वायर यार्ड, 1900 स्क्वायर यार्ड और लगभग जो बड़े प्लॉट्स हैं वो 2300-2500 स्क्वायर यार्ड के करीब हैं। ये टोटल 19 आपके प्लॉट्स मौजूद हैं। इसकी बेस्ट बात यह कि बहरिया टाउन कराची में कमर्शियल की जो एक्टिविटी है वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। आपका मेन स्टार्टिंग में जैसे ही आप मेन जिना एवेन्यू पे अंदर एंटर होते हैं तो आप देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे फ़िलहाल जितने भी कमर्शियल हैं वो सारे लोगों ने ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर की बिल्डिंग रेडी कर ली है। वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। जो नीचे के जो जितने भी आपको ये आउटलेट्स नज़र आते हैं इन सब के रेंट बहुत ज़्यादा हाई हैं और सारे के सारे फुल पैकिंग के आपको मिलते नहीं हैं। उसी तरीके से आप मिडवे कमर्शियल देखिए, परसेंट 8 के लिबर्टी कमर्शियल या 6 के जो लिबर्टी कमर्शियल इन्होंने लॉन्च किए थे वो भी ज़ोर शोर के साथ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है। तो बहरिया टाउन कराची का भी इस टाइम फोकस ये है कि वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहा है डे बाय डे, ताकि वहाँ से उसका रेवेन्यू भी जनरेट होगा और कमर्शियल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। तो बहरिया टाउन कराची में अभी इस टाइम जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, इस वाले प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि यहाँ पर ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर बनाने की परमिशन मौजूद है। तो जो लोग बहरिया टाउन कराची में अपनी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, चाहे होटल बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्राइम लोकेशन है, ये बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर आबादी भी मौजूद है स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम की, स्पोर्ट्स सिटी के जो विलास बने हुए हैं वो, उसी के बिल्कुल नीचे आप देखिए परसेंट 31 के सारे विलास बने हुए हैं जहाँ पर शिया कम्युनिटी की इमाम बारगाह मौजूद है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी मौजूद है। फिर साथ ही साथ आपके परसेंट 32 और 33 में भी लोग आहिस्ता आहिस्ता घर बनाना शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी आबादी आ रही है। और आप देखिए इसका एक तो व्यू सामने आपके स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, आपके लेफ़्ट हैंड साइड में आईफिल टावर का व्यू हो गया। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो कामयाब होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन में लोग माहिर हैं वो जानते हैं कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट के सामने कोई बहुत बड़ी एमिनिटी मौजूद हो तो वो प्रोजेक्ट बहुत ही महंगे दामों में बिकता है। तो अगर आज आप लोग 60,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के ऊपर भी ये प्रोजेक्ट अपना फुल, क्योंकि यहाँ पर फुल पेमेंट करनी है, कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, तो अगर आज आप बुक करवाते हैं और आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो लोग बहरिया टाउन कराची में आपके इस प्रोजेक्ट में हंसी खुशी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनको एक प्राइम लोकेशन के ऊपर या तो अपार्टमेंट मिल रहा होगा, या तो आप अगर होटल बुक करवा रहे होंगे तो आपको होटलिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो शानदार प्रोजेक्ट है।